अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ जवाद मंजूर। आज हम पीर सल सॉन्ग के बारे में गुफ्तगू करेंगे, अपनी राय देंगे कि पीर सल सॉन्ग इन सिंगर्स के हक में है या नहीं। अगर इनके हक में है तो आजकल पाकिस्तानी सिंगर्स भी सही तरह छाए हुए हैं लोकल लेवल पे, जिनमें हर बंदा अपना सॉन्ग बता रहा है, गा रहा है। आज हम भी अपना सॉन्ग बनाने और बताने जा रहे हैं। हमारे साथ लेजेंड गुलकार आए हुए हैं, गुलाम असीरो साहब, जिन्हें मेरे अलावा कोई नहीं जानता, शायद आप नेक्स्ट टाइम आप जान जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। गुलाम असीरो साहब, सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं वालेकुम सलाम सर, आप कैसे हैं? सर, ठीक आप है क्या राय देना चाहेंगे इस सर। सॉन्ग बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले पीएसएल सॉन्ग पे मैं ये राय देना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों ने पीएसएल पे गाने भी बनाए हैं, तो इसी तरह जब जो सबसे पहले गाया जो पीएसएल का असल सॉन्ग गाने वाली है मैडम नसीबोलाल, तो मैडम का गाने भी कुछ इस तरह हैं कि तनकीद जो उन पे हुई है तो वो कुछ सही भी तनकीद थी। अब उनका एक गाना मैं आपको मुख्तसर करके सुना देता हूँ उनका गाना, क्योंकि हमने अपना भी फिर गाना बताना है आपको। तो मैडम ने जो गाना गाया है कि बेवफा, उसके पहले मैं आपको अल्फाज बता देता हूँ। हर टुकड़े पे तेरा नाम लिखा होगा, तो ये उसने सुर जितने पंजाबी टुकड़े गाई। दिल थे। तो अब मैं आपको जरा सुर के साथ वो सुनाता हूँ मैडम के, बाद में कोशिश करता हूँ कि जितने भी होने टुकड़े दिल दे, हर टुकड़े थे तेरा नाम लिखिया। तो ये मैडम का एक छोटा सा आपके सामने मैंने अगर ये पेश किया। मैडम के साथ इन्होंने ऐसे ही करना था तो मैडम के साथ पठानी खान, अताउल्लाह खान और उसके अलावा मंसूर मलंगी जैसे लेजेंड्स गुलकार ऐड कर देते हैं तो गाने को चार चांद और लग जाते। सो अताउल्लाह खान अगर इनके साथ हो तो कैसा रहेगा? कोई अताउल्लाह खान का सुना दे, उनका मशहूर गाना है अताउल्लाह, बेवफा तेरा मुस्कुराना बोल जाने के काबिल, आप अब भी सुन बताओ लो। ना, मैं आपको गाना सुना देता हूँ। ये भाई कह रहे हैं कि बेवफा तेरा मुस्कुराना भूल वाह जाने के वाह काबिल नहीं है, बेवफा तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। तो ये देखें, अगर ये इनके साथ होती तो एक अच्छी कंपोजिशन भी बन उसके सकती थी। अलावा अगर मुसलमान मलंगी को ऐड करें तो अगर मंजूर मलंगी को ऐड करें तो देख लें, ये मंजूर मलंगी की खालिद साहब को कलाम गाते थे, तो उन्होंने का थोड़ा सा कलाम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि ये गुलाम फरीदा होवे यार नु मिलना, ते मंगल खमीज ते छन छन क्या। तो ये मंजूर मलंगी की कंपोजिशन आपको सुनाई। अब आप अगर इन जो चौथे और गुलकार का लास्ट नाम हमारे लिया, पे लास्ट टाइम जो लास्ट है पठाने हमारे गुलकार थी लेजेंड पठाने खान, तो उनका मैं आपको सुना देता हूँ कि काबा किबला मंदिर मस्जिद मेरा हर शय तू। तो ये उनका एक अंतरा छोटा सा मैंने आपके सामने पेश किया पठाने खान का। चले अपनी आवाज में कुछ सुना दे ताकि दो चार अफाज इसके बाद हम आपकी गुफ्तगू को समेट करेंगे। चले मैं आपको एक छोटा सा कलाम जो मौला अली सरकार का खास नुसरत फतेह अली खान ने गाया, तो उस पे इख्तिताम करते हैं कि अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली दम दम, अली मौला 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 अली दम दम अली इमाम मनस्तुम बंदाए मुर्तजा अली हस्तम, अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली दम दम। जी, इसके साथ ही हम आपकी आवाज़ और आपके टैलेंट को सराहते हुए इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। बंद कर दीजिए।